हेलो स्टूडेंट्स, मैं महेश आनंद फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम करता हूं। हम लोग अपने चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स को कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने पिछले क्लासेस में रेट ऑफ रिएक्शन और उसके टाइप्स को स्टडी कर लिया था, और हम लोगों का लास्ट टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, जहाँ पे आई इक्वल्स टू डी सी अपॉन एन इन टू डी टी हुआ था, और जो कि डी टी जो है टेंस टू जीरो था, मतलब वो इतना कम समय में रिएक्शन होता है कि वहाँ पर टाइम को जो है मेजर कर पाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए डी टी जो है टेंस टू जीरो हमारा हुआ था। आज हम लोग अपने नए टॉपिक को मूव करते हैं जिसका नाम है कोलिजन थ्योरी। तो बच्चों, कोलिजन थ्योरी का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी केमिकल प्रोसेस जो होता है या कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होता है वो उसमें जो रिएक्टेंट होते हैं वो किस प्रकार से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, या ऐसा कहा जा सकता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्शन का मैकेनिज्म क्या है, यह कोलिजन थ्योरी इजीली एक्सप्लेन करेगा। तो सबसे पहले हम लोगों को ये बेसिक बातें जान लेना बहुत जरूरी है कि किसी भी केमिकल प्रोसेस और किसी भी केमिकल रिएक्शन के ड्यूरिंग रिएक्टेंट का जो प्रोडक्ट में कन्वर्शन होता है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि निश्चित रूप से पुराना बॉन्ड टूटना चाहिए और पुराना बॉन्ड टूट करके एक नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होना चाहिए। अगर नया बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो किसी भी हाल में नए केमिकल स्पीसीज का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है, और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होने के लिए निश्चित रूप से जो हमारा रिएक्टेंट स्पीसीज है उसका ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए, उसका पुराना बॉन्ड जो है टूटना चाहिए। अगर पुराना बॉन्ड टूट रहा है तो निश्चित रूप से नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो एक नया केमिकल स्पीसीज बनेगा, एक नया केमिकल सब्सटेंस बनेगा, तो हम लोग कहेंगे कि हाँ वहां पर एक केमिकल प्रोसेस हुआ, एक केमिकल रिएक्शन हुआ। तो कहते हैं क्या कि जब तक कोई भी केमिकल प्रोसेस में नया बॉन्ड पुराना बॉन्ड जब तक नहीं टूटेगा तब तक नया बॉन्ड का फॉर्मेशन यानी कि नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। तो इसी बात को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग कोलिजन थ्योरी का सहारा लेते हैं, और कहते हैं क्या कि अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी एनी केमिकल रिएक्शन अगर व्हेन इट फॉलो थ्री नेसेसरी कंडीशन। कहते हैं कोलिजन थ्योरी कहता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होने के लिए उसको तीन नेसेसरी कंडीशन को फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, मतलब डिफरेंट का कन्वर्शन प्रोडक्ट में हो रहा है, तो वो तीन नेसेसरी कंडीशन को फॉलो करेगा, और अगर इस तीन में से किसी भी कंडीशन को अगर कोई केमिकल रिएक्शन फॉलो नहीं कर रहा है तो कहेंगे कि आप किसी भी हाल में केमिकल रिएक्शन होना संभव है ही नहीं, यानी कि रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्शन होना संभव है ही नहीं। तो आखिरकार कोलिजन थ्योरी का वो कौन कौन सा हमारा नेसेसरी कंडीशन है जिसके द्वारा किसी भी रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्शन होगा, आइए बच्चों हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले कोलिजन थ्योरी कहता है, अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी एनी केमिकल रिएक्शन अकर्स व्हेन इट फॉलोज नेसेसरी कंडीशन। कोलिजन थ्योरी के अनुसार कोई भी केमिकल रिएक्शन तभी होगा जब वह थ्री नेसेसरी कंडीशन को फॉलो करेगा। तो बच्चों वह थ्री नेसेसरी कंडीशन कौन सा है, हम लोग उसके आगे प्रोसीड करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और उसका सबसे पहला नेसेसरी कंडीशन है कोलिजन। सबसे पहला हमारा नेसेसरी कंडीशन है बच्चों वो क्या है, कोलिजन। तो जो कोलिजन का मतलब क्या होता है आप लोग जानते हो, कोलिजन का मतलब होता है आपस में टकराना। तो कहते हैं क्या कि अगर कोई रिएक्टेड स्पीसीज है, अगर कोई भी रिएक्टेड मॉलिक्यूल है, तो जब तक वह आपस में नहीं टकराएगा तब तक किसी भी केमिकल रिएक्शन का होना संभव नहीं है। अगर किसी भी ओल्ड बॉन्ड को ब्रेक करना है, यानी कि पुराने बॉन्ड को तोड़ना है, तो निश्चित रूप से उसका सबसे पहला कंडीशन, सबसे पहला नेसेसरी कंडीशन है
उसको आपस में टकराना ही होगा, लेटेंट स्पेसीज को आपस में टकराना ही होगा। आपस में टकराएगा तो कहते हैं कि आपके कोलिजन थ्योरी का पहला नेसेसरी कंडीशन तो वो पार करेगा। लेकिन सिर्फ कोलिजन बनाने से केमिकल रिएक्शन हो जाएगा ये बिल्कुल भी सच नहीं है। ये हम कह सकते हैं कि कोलिजन होना जरूरी है, लेकिन सिर्फ कोलिजन हो जाने से कोई केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होंगे वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट जाएंगे इसकी गारंटी नहीं है। तो आप कहेंगे कि सर आप कह रहे हैं कि कोलिजन नेसेसरी कंडीशन है, कोलिजन होना ही चाहिए, और आप ये तुरंत ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ कोलिजन हो जाने से किसी रिएक्टेंट स्पीशीज का प्रोडक्ट में कन्वर्शन हो जाए ये संभव नहीं है, तो कैसे? तो निश्चित रूप से हमारा भी दो नेसेसरी कंडीशन और बाकी है। मैंने कहा है कि अगर कोई भी दो नेसेसरी कंडीशन को फॉलो कर रहा है और अगर तीसरा नेसेसरी कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है तो निश्चित रूप से उस केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होंगे उसका कन्वर्शन किसी भी हाल में प्रोडक्ट में संभव नहीं है। तो बच्चों कोलिजन इज नेसेसरी फॉर एनी केमिकल रिएक्शन बट इट इज नॉट सफिशियंट। कहने का मतलब है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को होने के लिए कोलिजन बहुत जरूरी है, लेकिन सिर्फ कोलिजन के हो जाने से कोई भी केमिकल रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा, मतलब कोई भी रिएक्टेड स्पीशीज प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा। लेकिन कोलिजन होना बहुत जरूरी है। कब? जब तक कोलिजन नहीं होगा तब तक रिएक्टेड मॉलिक्यूल का पुराना बॉन्ड नहीं टूटेगा, है ना। जब तक पुराना बॉन्ड नहीं टूटेगा तब तक नया बॉन्ड का फॉर्मेशन संभव नहीं है। तो कहते हैं क्या कि एनी केमिकल रिएक्शन ऑकर्स, सबसे पहला जो हमारा कंडीशन है कोलिजन, कहते हैं कि एनी केमिकल रिएक्शन ऑकर्स, एनी केमिकल रिएक्शन ऑकर्स व्हेन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद ईच अदर। मतलब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जब आपस में कोलाइड करेगा तब कोई केमिकल रिएक्शन होगा। लेकिन मैं दूसरे शब्दों में एक बात लिख रहा हूं, और कोलिजन इज नेसेसरी फॉर केमिकल रिएक्शन बट नॉट नहीं। हम लोग उसकी ओर बढ़ते हैं। दूसरा नेसेसरी कंडीशन है प्रॉपर ओरिएंटेशन। दूसरा हमारा नेसेसरी कंडीशन है प्रॉपर ओरिएंटेशन। प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब है बच्चों सही दिशा में। अब कहने का मतलब है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहे हैं, और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहे हैं तो कोलिजन तो अच्छा है, कोलिजन होना जरूरी है किसी केमिकल रिएक्शन के लिए, लेकिन कोलिजन जो है वो प्रॉपर ओरिएंटेशन में नहीं है। मान लीजिए कि अगर कोई दो आपको बॉन्ड को ब्रेक करना है तो कोई दो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए निश्चित रूप से कोलिजन तो जरूरी है नहीं, लेकिन अगर वो कोलिजन प्रॉपर ओरिएंटेशन में ना हो तो किसी भी हाल में बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। तो मान लीजिए कि दो हाथ हमारा दो पार्टिकल है, और अगर इसका कोलिजन इस ये हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, ये हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, जब तक ये एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का पुराना बॉन्ड नहीं टूटेगा इसका पुराना बॉन्ड नहीं टूटेगा तब तक ये दोनों के बीच एक नया बॉन्ड का फॉर्मेशन संभव नहीं है। तो इसके लिए मान लीजिए हमारे दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड किया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बच्चों अगर ये जो ओरिएंटेशन अगर प्रॉपर नहीं होगा, सही दिशा नहीं होगा, ये ऐसे चला जाए, ये कुदरत में जो कोलाइड तो अभी भी किया, कोलाइड अभी भी किया लेकिन उसका ओरिएंटेशन क्या है सही नहीं है। कोलाइड अभी भी किया है छोटा सा कोलिजन जरूर है लेकिन अभी भी ओरिएंटेशन सही नहीं है। तब सही ओरिएंटेशन में अगर कोलिजन नहीं हुआ तो किसी भी हाल में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का प्रोडक्ट बॉन्ड का ब्रेक होना संभव
नहीं है। तो वही कह रहे हैं कि कोलिजन जरूरी है, लेकिन कोलिजन प्रॉपर ओरिएंटेशन में हो, सही दिशा में हो, यह भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो वही दूसरा नेसेसरी कंडीशन था हमारा प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो हम कहते हैं कि एनी केमिकल रिएक्शन अकर्स व्हेन द टू मॉलिक्यूल कोलाइड्स विद ईच अदर इन प्रॉपर ओरिएंटेशन। ठीक है ना, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का कोलिजन बहुत जरूरी है, लेकिन यह भी जरूरी है कि वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो आपस में कोलाइड कर रहा है वो प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलाइड करे, ये प्रॉपर डायरेक्शन में कोलाइड करे। अगर प्रॉपर डायरेक्शन में कोलाइड कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि रिएक्शन मे अकर, रिएक्टेंट मे कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। अभी अगर मैं बोल रहा हूं रिएक्टेंट मे कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है, कंफर्म अभी भी नहीं है। तो फिर से मैं एक लाइन बोलना चाह रहा हूं कि प्रॉपर ओरिएंटेशन इज नेसेसरी फॉर एनी केमिकल रिएक्शन बट इट इज नॉट सफिशिएंट। ठीक है ना, प्रॉपर ओरिएंटेशन किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन वो हम कहें क्या वो सफिशिएंट है, या सिर्फ प्रॉपर ओरिएंटेशन के सही रहने से क्या किसी भी रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाना क्या संभव है? तो हम बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं। प्रॉपर ओरिएंटेशन बहुत जरूरी है, नेसेसरी है केमिकल रिएक्शन के लिए, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है। तो सफिशिएंट कैसे होगा? तो मैं बच्चों बता दूं कि जो हमारा तीसरा नेसेसरी कंडीशन आने वाला है, अगर वो उसको फॉलो कर ले रहा है तो निश्चित रूप से किसी भी रिएक्टेंट का कन्वर्शन प्रोडक्ट में हो जाना है। और मैं फिर से एक बात को रिपीट कर दूं, किसी भी केमिकल रिएक्शन होने के लिए वो तीनों का तीनों नेसेसरी कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। अगर तीनों से कोई भी नेसेसरी कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है तो हम लोग बड़ी क्लियरली इस बात को कह सकते हैं कि उस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है हमारा उसका प्रोडक्ट में कन्वर्शन संभव नहीं है। तो बच्चों हम लिख सकते हैं कि एनी केमिकल रिएक्शन अगर एनी केमिकल रिएक्शन व्हेन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड विद ईच अदर, व्हेन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड विद ईच अदर इन प्रॉपर ओरिएंटेशन। मैं फिर से क्लियर कर रहा हूं, प्रॉपर ओरिएंटेशन इज नेसेसरी फॉर केमिकल रिएक्शन बट नॉट सफिशिएंट। बट ये सफिशिएंट नहीं हुआ, नेसेसरी है बट नॉट सफिशिएंट। तो हम लोग अपना तीसरा नेसेसरी कंडीशन के बारे में बात कर लेते हैं। इसका नाम है बच्चों थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी इज आवर थर्ड नेसेसरी कंडीशन टू प्रोसीड एनी केमिकल रिएक्शन। ये हमारा बच्चों तीसरा नेसेसरी कंडीशन है। अब कहने का मतलब है कि थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? तो कहते हैं कि थ्रेशोल्ड एनर्जी का डेफिनेशन है कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, किसी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को रिएक्शन में पार्टिसिपेट कराने के लिए, रिएक्शन में भाग लेने के लिए उसके पास मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की आवश्यकता होगी, वह एनर्जी को हम क्या कहेंगे? थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है बच्चों हमारा क्या है? तीसरा नेसेसरी कंडीशन है किसी भी केमिकल रिएक्शन के होने के लिए। कहने का मतलब क्या है? अब तीनों बातों को हम जोड़ देते हैं।
तीनों बातों को जोड़ के कंक्लूजन क्या निकलता है हमारा, वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमने कहा है केमिकल रिएक्शन को होने के लिए सबसे पहले उसका कोलेजन जरूरी है। कोलेजन हो गया, पर मैंने कहा कि कोलेजन होने से रिएक्टेंट का कन्वर्शन प्रोडक्ट में हो जाएगा ये जरूरी नहीं है। तो मैंने दूसरा बात कहा कि प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलेजन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन मॉलिक्यूल कोलाइड भी किया, प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलाइड किया, लेकिन प्रॉपर ओरिएंटेशन भी जो है हमारा नेसेसरी कंडीशन जरूर है लेकिन सफिशियंट कंडीशन नहीं है। फिर अब हम कह रहे हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, मतलब इतना एनर्जी होना चाहिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास कि वो आपस में एक इफेक्टिव कोलिजन कर सके। इफेक्टिव कोलिजन कहने का मतलब है कि अगर कोलिजन किसी दो मॉलिक्यूल के बीच अगर इफेक्टिव हो जाए तो परमाणु निश्चित रूप से ब्रेक कर जाए। और वो कोलिजन इफेक्टिव तभी हो सकता है जब किसी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल किसी भी दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच कोलिजन हो, कोलिजन प्रॉपर ओरिएंटेशन में हो और विद सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ, मतलब इतना एनर्जी उसके पास हो कि जब वो आपस में कोलाइड करे तो पुराना बॉन्ड ब्रेक हो जाए और फाइनली नया बॉन्ड बन जाए। तो कहते हैं कि किसी भी रिएक्टिव मॉलिक्यूल को कन्वर्ट होने के लिए प्रोडक्ट में कोलिजन जो है कोलिजन होना चाहिए, कोलिजन प्रॉपर ओरिएंटेशन में होना चाहिए और कोलिजन जो प्रॉपर ओरिएंटेशन में होगा वो एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ होना चाहिए। मतलब जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर होना चाहिए। अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर अगर उसका एनर्जी है तो हम बड़े मजबूती के साथ कह सकते हैं कि रिएक्टेंट का कन्वर्शन प्रोडक्ट में अब हो सकता है, नहीं कहेंगे, कहेंगे कि होगा ही, ठीक है। तो सबसे पहले हम थ्रेशोल्ड एनर्जी को डिफाइन कर लेते हैं कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड the minimum amount of energy required to react with reactant molecule to take part in a chemical reaction to take part in a chemical reaction is called threshold energy, ठीक है। तो threshold energy के बराबर अगर किसी पार्टिकल की एनर्जी है तो हम लोग कह सकते हैं कि एक इफेक्टिव कोलिजन हो सकता है। अब बच्चों मैटर है कि क्या कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो होगा हमारा क्या सबका एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर होगा। बात समझिए ध्यान से, हम क्या कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि एक इफेक्टिव कोलिजन के लिए, इफेक्टिव कोलिजन क्या है कि जब कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलिजन जब करेगा तो कोलिजन प्रॉपर ओरिएंटेशन में होना चाहिए और उसकी जो एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर होना चाहिए, यानी कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ कोलिजन प्रॉपर ओरिएंटेशन में अगर होता है तो हम कहेंगे क्या कि कोलिजन जो है वो हमारा क्या है, इफेक्टिव कोलिजन है। तो कहते हैं क्या कि क्या इफेक्टिव कोलिजन के लिए जितने भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होंगे, जितने भी रिएक्टेंट पार्टिकल्स होंगे, क्या सबकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर होगा। तो बच्चों तब आप लोग इस बात को बड़े ध्यान से समझ लीजिए और सुन लीजिए कि कभी ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि कभी भी कोई रिएक्टेंट स्पेसिस या कोई भी रिएक्टेंट सब्सटेंस होता है सबकी एनर्जी, रिएक्टेंट पार्टिकल की एनर्जी सबकी एक जैसी नहीं होती है, सबकी अलग अलग एनर्जी होती है। तो ऐसा संभव है कुछ पार्टिकल्स ऐसे होंगे जिसको जिसका एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा होगा तो वो तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, लेकिन वैसा रिएक्शन जिसका एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर नहीं होगा तो वो कैसे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, उनको भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कराना होगा। तो सबसे पहले एक बात और जान लें कि हर एक सब्सटेंस की अपनी अपनी इंटरनल एनर्जी होती है, मतलब जो भी एनर्जी
एसोसिएट होता है किसी भी केमिकल स्पेसीज के साथ, वह उसका इंटरनल एनर्जी कहलाता है। तो इंटरनल एनर्जी जो है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर और ज्यादा भी हो सकता है या उससे कम भी हो सकता है। तो अगर इंटरनल एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर है तो कह सकते हैं कि जिस भी पार्टिकल का इंटरनल एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा है तो वो रिएक्शन में आसानी से पार्टिसिपेट कर पाएगा। लेकिन बच्चों अगर नहीं है तो कैसे वो पार्टिकल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि हम लोगों को चाहिए क्या कि हम लोग अधिक से अधिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सके। और अधिक से अधिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन के लिए निश्चित रूप से अधिक पार्टिकल का कोलिजन क्या है बहुत जरूरी है। ताकि अधिक से अधिक रिएक्शन अधिक से अधिक पार्टिकल का कोलिजन के लिए अधिक से अधिक ऐसे पार्टिकल चाहिए जिनका एनर्जी जो है जिनका ऊर्जा जो है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा या थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो। तो बच्चों जिनका कम होगा उनको एनर्जी देकर के उसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर है उससे ज्यादा किया जा सकता है। तो कहते हैं क्या कि जो एक्स्ट्रा एनर्जी किसी भी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल को जो एक्स्ट्रा एनर्जी बाहर से दिया जाता है ताकि उसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर या थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा हो जाए तो उस एनर्जी को हम लोग कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। मैं बोल रहा हूं कि अगर कोई भी पार्टिकल का थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर नहीं है तो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर या थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा एनर्जी प्राप्त करने के लिए जो उसको उस पार्टिकल को जो एक्स्ट्रा एनर्जी हम लोगों को देना पड़ेगा जो एडिशनल एनर्जी देना पड़ेगा वह एनर्जी क्या कहलाएगा एक्टिवेशन एनर्जी। पर इस बात को हम लोग एक तरीके से और समझ सकते हैं। आप मान लीजिए कि आपको मूवी देखने जाना है और मूवी जिस थिएटर में आपने आप देखने गए हैं उस थिएटर का टिकट का दाम जो है 150 रुपए है। लेकिन आप गए तो आपके पास आप जाने के बाद समय आया नहीं 150 रुपए टिकट का दाम था आपके पॉकेट में सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज ही थे। इसका मतलब है कि आप एक ऐसे पार्टिकल है जिसके पास सफिशियंट अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं है, जिसके पास सफिशियंट पैसा नहीं है कि वो उस मूवी को देख सके। मतलब आपकी एनर्जी जो है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से क्या है कम है। मतलब 150 रुपए अगर रहता आपके पास तो आप निश्चित रूप से उस मूवी को क्या कर पाते देख पाते, लेकिन क्योंकि आपके पास 150 रुपए नहीं है तो आप उस मूवी को नहीं देख पाएंगे। मतलब आपकी एनर्जी जो है थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा नहीं है। तो आप उसी समय आपके पास कोई दोस्त मिल गया ठीक है और आपको उसको बताया कि मेरे पास 50 रुपए घट रहा है मुझे ये मूवी देखना है, तो आपने उस दोस्त को कहा और दोस्त जो है आपको 50 रुपया या उससे ज्यादा जो है आपको पैसा क्या कर दिया डोनेट कर दिया आपको दे दिया। तो आपके पास जो एक्स्ट्रा पैसा दिया ताकि आप मूवी देख सके तो एक्स्ट्रा पैसा जो है वो आपके लिए क्या होगा बच्चों एक्टिवेशन एनर्जी ठीक है ना। जो एडिशनल एनर्जी आपको दिया गया ताकि आप मूवी को देख सके वह एडिशनल एनर्जी जो होगा आपको हमारा क्या हो जाएगा बच्चों एक्टिवेशन एनर्जी। और थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या था हमारा 150। मैंने क्या कहा कि थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा आपकी एनर्जी हो तो आप आसानी से उस काम को कर पाएंगे। जैसे थ्रेशोल्ड एनर्जी अगर 150 रुपया है हमारा फिल्म देखने के लिए तो क्या मेरे पास 170 रुपया होगा तो क्या हम फिल्म नहीं देख पाएंगे निश्चित रूप से देख पाएंगे। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिएक्टेड मॉलिक्यूल टू टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक पार्टिकल का एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो यह संभव नहीं है। तो एक्स्ट्रा एनर्जी वैसे पार्टिकल जिसका एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर नहीं है तो उस पार्टिकल का एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा करने के लिए जो एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिएक्टेड मॉलिक्यूल को दिया जाता है वह एनर्जी क्या कहलाता है एक्टिवेशन एनर्जी। तो हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी को बच्चों डिफाइन कर लेते हैं। कहते हैं एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन टू रिएक्टेड मॉलिक्यूल
given to reactant molecule to take part in a chemical reaction. Is called activation energy. बच्चों हम लोग आगे मैकेनिज्म और उसे ये सारी बातें हम लोग पढ़े, इसको हम लोग एक मैकेनिज्म के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक रिएक्टिव मॉलिक्यूल हमारा ये है, वो इस तरीके से जुड़ा हुआ है। हम जानते हैं रिएक्टिव मॉलिक्यूल जो होता है वो कहाँ कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, और एक इस तरीके का रिएक्टिव मॉलिक्यूल है। अब बच्चों इस दोनों का सबसे पहले आपस में कोलिजन कराना होगा, कोलिजन के ऊपर ओरिएंटेशन होना चाहिए और विद सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होना चाहिए, तो इफेक्टिव कोलिजन होगा तो ही रिएक्टर का कन्वर्शन प्रोडक्ट में होगा। तो ये दोनों ऊपर जो क्या आपस में क्या कर रहे हैं, ब्रैकेट में आप देखें ध्यान से इसको, कुछ इस तरीके से पढ़ाया गया प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो क्या था जो प्रॉपर ओरिएंटेशन में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करेगा तो पहला बॉन्ड जो हमारा ये था, ये क्या हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा, ये पहला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इस तरीके से यहां से बॉन्ड ये ब्रेक हो जाएगा और क्या बन जाएगा कुछ इस तरीके से। बच्चों आप ध्यान से देखिए, क्या पहले इस केस के बीच बॉन्डिंग थी, नहीं थी, इस केस के बीच थी, नहीं थी, बॉन्डिंग इस केस के बीच था, पहला बॉन्ड ब्रेक हो गया जब ये इस दोनों का इफेक्टिव कोलिजन हुआ, तो कुछ इस तरीके से हमारा जो है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। कुछ इस तरीके से देखिए एक नया बॉन्ड फॉर्मेशन में दोनों के बीच एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन। लेकिन अगर यही कोलिजन, अगर यही कोलिजन कुछ इस तरीके से होता बच्चों, आप ध्यान से देखिए, कुछ इस तरीके से, तो किसी भी हाल में जो प्रोडक्ट बनता हमारा, सॉरी किसी भी हाल में जो हमारा प्रोडक्ट बनता उस हाथ को नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो हमारा ओरिएंटेशन है वो सही नहीं है। अगर ओरिएंटेशन सही नहीं है तो किसी भी हाल में बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब क्या होगा फिर से, जब यहाँ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा मतलब क्या कि आगे जब ये जब कटाएगा तो फिर एक दूसरे से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा और कुछ इस तरीके से फिर से बन जाएगा। अब क्योंकि अगर फिर से इस तरीके से बन गया तो निश्चित रूप से फिर जैसे हमारा शुरुआत था वैसा ही हो गया, तो फिर क्या फायदा, जब रिएक्टेंट का रिएक्टेंट ही रह गया प्रोडक्ट का, जो रिएक्टेंट का रिएक्टेंट ही रह गया रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी, तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि कोई न्यू केमिकल स्पीशीज का फॉर्मेशन नहीं हुआ। अब ऐसा भी सोच सकते हैं कि कोई ए पार्टिकल एक कोई बी और बी पार्टिकल जो है आपस में क्या हुआ कोलाइड करेगा, इफेक्टिव कोलिजन, तो हम लोग कहते हैं क्या है कोई इस तरीके से तो क्या होगा पहला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा बच्चों, प्रोटोनेशन जो है प्रॉपर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा बनेगा ए बी प्लस ए बी। तो इस तरीके से जब कोई भी केमिकल स्पेसिस कोई भी केमिकल रिएक्टेंट कोलिजन का कोलिजन अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन और सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ हो तो कह सकते हैं कि निश्चित रूप से जो कोलिजन होगा वो हमारा इफेक्टिव कोलिजन होगा
और निश्चित रूप से उस केस में जो है रिटर्न का कन्वर्सन जो है प्रोडक्ट में काफी आसानी से हो जाएगा। अब बच्चों दिन में से कोई भी एक चीज नाम समझ लीजिए कि फूड एनर्जी भी है और इंडस्ट्री भी सही है, कोलिजन ही ना हो तो भी संभव नहीं है रिटर्न का प्रोडक्ट में कन्वर्सन। कोलिजन हो रहा है सफिशियंट अमाउंट ऑफ एनर्जी है और इंडस्ट्री सही नहीं है तो भी नहीं हो रहा है। कोलिजन जो है ओवर ओरिएंटेशन भी है लेकिन एनर्जी नहीं है जितना एनर्जी चाहिए तो बनते हैं आया 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 यही पैटर्न का हो जाएगा रुक जाएगा यही पैटर्न रुक जाएगा एनर्जी हाई नहीं कि वापस कोलाइड करते हैं। कोलिजन क्यों बनाया है अब ये भी मान लीजिए कोलिजन बनाया है ओरिएंटेशन भी सही है लेकिन आया वहाँ से सटने यहाँ से सटने के बाद इतनी वापस इतना स्ट्रेच हो जाए कि बड़ा बॉन्ड टूट जाए तभी ना नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तभी नया केमिकल स्पेसिस का फॉर्मेशन होगा। तो जो आज का सेशन कोलिजन थ्योरी यहीं पे समाप्त होता है और आई होप मुझे पूरा आशा है कि आज का सेशन आप लोगों को निश्चित रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।